पूरा जो लेपन उसको रखा है। मैं यही नीचे हूँ मिशन में चला दी आप लागत लगा हो गया सवेरे सवेरे में मंत्री जी के पास था मलिक साहब का भी हमारे दोनों का फोन गया और यही तो प्रयास उन्होंने कहा मैं भी निवेदन करा उन्होंने कहा ये बच्चे मतलब कितने दिन के लिए फैक्ट्री कितने दिन के लिए दे रहे हो 2 साल के मतलब 2 साल बाद जब बच्चों की जरूरत पड़ेगी तब कहाँ से लाओगे वह अपने ट्रेंड को तो तुम बाहर कर दो अनट्रेंड कुछ दिन के लिए चला दोगे फिर कह दोगे तो मैं बिना याद करके चल जाएगी कहाँ से ले ये क्या ही मलिक साहब मेरी बात वो तो है ही सबके कहाँ से ले बता रहे थे विधायक मैं तो चला आता जब आपने बात कहाँ से लेंगे ये तो एक साथ साथ जो लोग 12 साल से इस उम्मीद में अठारह भी है मतलब 5-6 हजार रुपए की 6 हजार तनख्वाह 6 हजार रुपए की तनख्वाह भाई इसलिए काम कर रहे भाई हमें कल यहाँ पे स्थायी नौकरी बस नहीं तो 6-6 हजार रुपए में तो सबके खेती के लिए रख दिया आदमी नहीं जब बहुत सारे लोग जिम्मेदार होंगे क्या जो मंत्री जी जब उनके 18 साल जीवन के चले गए मेरे मुझे 18 ही पता था 18 ही तो रहे चले गए वही तो उनके काम करने का वो तब वही आपकी फैक्ट्री को दे दिया इसके बाद कौन लेगा पूरा बात निकाल दो अठारह साल एक काम सीखा है ये जान रहे हैं दूसरा काम कैसे एक पक्ष तो यू है दूसरा पक्ष यूपी किसान भी अगर किसी ठेकेदार की कर्मचारी यहाँ पर होगी ऐसा तो नहीं सकता मैं इनमें करना करेंगे 100% वे टोल भी करेंगे वे यहाँ पर भी लोग रहेंगे तो इसका नुकसान हम तो कैप्चर है एक तरह एक बस पूरी वो तो यही है कि बंधक बढ़ गया और किसानों को भी है इन बिचारों का जब वो भी रुपए लिए बिना यहाँ नहीं पड़े बिल्कुल और ये लूट भी दी है 17-18 साल रहती है करीब 1,000 रुपए देगा एक बार रुपए भी फिर सैलरी में भी करेगा ना सैलरी ले 15,000 रुपए दिए हुए ना 7,000-6,000 रुपए अच्छा उसमें दूसरी बात हो रहा है रखेगा 200-250 को काम करवाऊंगा 50 पे वो भी तो है बड़ी लूट है मैं 100 आदमी तनखा वैसा ले हुआ मेरे नुका 60 आदमी थे मेरा पूरा काम करेंगे तुम्हारा एक विषय आया था कि बजट का अभी तो सैलरी दे रही है मेरे ख्याल से अधिक से अधिक 12,000 होगी अधिक से अधिक 9,000 में लास्ट एक या दो की है नहीं मतलब तो हाँ वही 9 लाख 40,000 तक की भी है ठेकेदार बता मैं 40,000 तक भी है 12,000 तक लेकर 40,000 ना पड़ेगा एक मजाक कर रही हूँ 12,000 तक लेकर शुरुआत है 40,000 तक 40,000 तक 14,000 तक अब सबसे ज्यादा 12,000 दे रही हाँ और अब तो जहाँ भी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है के साथ की जरूरत है बिना जरूरत के डीएम को हमने कल 2-3 बार यह बात अमील हाउस का चिन्ह अभी यही गलत फीडिंग हो रही ना ऐसा अभी हमारा पहली तारीख को हम सब सभी सबका मौका मिलता है पहली तारीख को 5 बजे वो जिस तरह से मीटिंग हो और फिर चाय पानी हो इकट्ठा होकर के साथ सभी
जितने विधायकगण और मंत्रीगण सभी ऐसा भी मौका मिल गया अपनी बात का सुनने नहीं हुआ तो इस केस में आपस में ही मिलके चले जा रहे हैं तो एक व्यक्ति की तो समस्या है नहीं, ये तो एक सामूहिक है। जो भी हमारी समस्या है हमारे तो कमी हो हमारा अभी तो देखो जिला अधिकारी हाथ में सब कुछ है, सब उसके हाथ है। दूसरे बात जो अपने मंत्री एहसास कराऊंगे तो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ संस्कृति जिले से जुड़ा हुआ उसके पीछे में कितना व्यवस्था का रखा है लड़कों को अंदर तो बात है जितने होंगे ये उत्तम वाले अपने बच्चे की जरूरत होगी हमारी तो एक उत्तम से वही रख ली रब में जानकारी के लिए वो तो उत्तम नहीं मैं अपने तरीके से कमी आदमी और वे भी एक्सपीरियंस वाले लोग होने चाहिए। ये हमारे जो साधारण बच्चे हैं ये शायद काम कर रहे जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने चाहिए टेक्निकल हाँ वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने तो उनके लिए भी प्रस्ताव यहाँ से कि इतने लोगों की यहाँ जरूरत है और वो उसमें ज्यादातर तक के लोग हैं कि तो गन्ने में काम कर सकते हैं उन्हें आप यहाँ पे ही रख दो गन्ने में आप जा रहे हो तो ज्यादा जरूरी है काफी टाइम से ही फाइट कर रहा हूँ आज यार जा जो ठीक आ गया जरूरी है ये तो और भी करते रहे उसकी कोई समस्या ये तो धरना चल रहा है किस ये धरना चल रहा है कब से चल रहा है इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोग क्या पड़ोस मेरे से पहले आए थे हमने एक बेरोजगारी के दौर में जब चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है वहाँ एक रोजगार दिए हुए कोई बेरोजगार जबरदस्ती फैक्ट्री वाले यानी फैक्ट्री के जिम्मेदार लोग करना चाहते हैं उसके विरोध में तो ये धरना चला रहा है। अब हमारा रोजगार नहीं है हमने 18 और 20 साल जो इस फैक्ट्री के लिए देते हैं इस फैक्ट्री के हिस्से ले अब हमने पहुँचना करा दिया जब ये करना तो इसलिए हम हर विभाग सब इसलिए आए हैं हमारे परिवार के बच्चे हमारे किसान भाई के बच्चे क्योंकि किसान भाई यहाँ सब जिम्मेदार और बाकी लोग इन्हें हम ये विश्वास दिलाने के लिए आए और आपको जहाँ हमारी जरूरत है हम आपके सामने परेशानी है तो हम जनप्रतिनिधि हैं हम हमारी जवाबदेही तय है तो हम भी जिम्मेदार हैं हम भी परेशान हैं और मैं इसमें कहना ही चाहता हूं कि सारे प्रकरण में जैसे माननीय विधायक जी ने बताया एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरीके से अनियमितता निकाल और छुपा के जो समिति होती है या बोर्ड होता है बोर्ड की नियम यह है कि बोर्ड कोई प्रस्ताव पास करेगा उस पर ही आगे मेल प्रशासन काम करेगा फिर बोर्ड जनप्रतिनिधि चुने क्यों उनकी उन्हें जो है गुमराह करके बोर्ड को बोर्ड से सहमति ना अध्यक्ष से लेके ना चेयरमैन से लेके और ये गुपचुप तरीके से एक गलत आदमी को
पूरे क्षेत्र के लोगों के जो ये उनकी भावनाओं को उनके भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए एक गलत आदमी को इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में कर दिया। अब ये लोग मना कर रहे हैं कि हमने वो टेंडर प्रक्रिया नहीं की, तो वो तो चलो भाई बात हमने उठाई या लोगों ने उठाई या लोगों के सामने आ गया, बोर्ड के सामने ये सारी बातें हो गई। अगर ये सामने नहीं आती तो वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट उनका हो जाता। तो हमारे यही कहना है, राय जी का भी, हमारा भी, और जो हमारे गन्ना समिति के चेयरमैन जी हैं, चेयरमैन साहब हैं राजेंद्र प्रधान जी, हम सब लोग इसमें ही पूर्ण विश्वास है कि हम अपने इन भाइयों के सबके साथ हैं। जो भी गलत काम किसी के द्वारा इस फील्ड में या इस सदन में होगा या इससे बाहर होगा, उसे हम पूरी तरीके से रोकने का काम करेंगे। जो डीएम है, जिलाधिकारी है, वो इसके चेयरमैन है, उससे वार्ता करेंगे। वार्ता हमारी हुई है माननीय मंत्री जी से भी हुई है, डीएम साहब से भी हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ विधायक जी गलत नहीं होने दिया जाएगा, हम उससे बात करेंगे, जो चीजें हैं वो सुधर जाए। एक रिपोर्ट जो हमारे चेयरमैन साहब के खिलाफ की है उसे वापस करें, या जो हमने इन्होंने तहरीर दी है इनके साथ जो बदसलूकी हुई है और जो गलत किया है, तो जो किसानों के जो गन्ने पर गन्ने तौर पर धान दिए सेंट्रल पर जो गया उसका किसानों का कहा किसकी पास कर लेकर जाएंगे हम, अगर जी साहब ने प्राइवेट आदमी पर देगा प्राइवेट में रख दिया टूटला तो किसके पास जाएंगे किस बात पर, कोई ठेकेदार मारी नहीं सुनेगा और किसान उस बात पर बात जब ठेकेदार आदमी जब बेसमील में होगा तो भाई भाई चुप रहो भाई, ये है, ये 24 तारीख की बात है, यहाँ 24 यहाँ कुछ सितंबर जिस दिन ये झगड़ा मान लो या कफासुनी मान लो जो भी हुई, तो यहाँ का जो जीएम है चौबे जी वो इतनी शराब पिए हुए था, वो अपना बैलेंस संभालने में भी सक्षम नहीं था, और सब लोगों ने यहाँ से देखा, सैकड़ों लोग थे। इस स्थिति में यदि जीएम ऐसी हरकत करेगा तो कैसे उम्मीद करी जा सकती है। इसलिए हम माननीय विधायक से दोनों से ये प्रार्थना करेंगे ताकि किसानों की बात को जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और ऐसा आदमी जो किसी भी शराब पीता हो उसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाए। भाई मारे चेयरमैन ने कुछ नहीं कहा, इसकी गैल बदतमीजी से पेश आ रही, सुनकर अपने घर चलेगा, अपने घर चलेगा सुनकर इसकी गैल बदतमीजी से पेश आ दारू पी का। हाँ एप्लीकेशन बना रखी भाई कोई, अरे है कोई भाई।